हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रश्मि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट डेकोर हॉल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली फ्लिपकार्ट पे बहुत ही अच्छी सेल लगी थी। उस सेल में मैंने कुछ डेकोर आइटम परचेस किए थे, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक एनालॉग वॉच जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में ये वॉच आई है। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, इस तरह से पैक होके आई है। एनालॉग वॉच है, बहुत ही खूबसूरत है और ये 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की है। और इसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर के कांटे बने हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सेल उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, सेल हमें ही लगाना है। और ये कोई ऊट का बना नहीं है फ्रेंड्स, MDF जो पैनल होता है उसका ही कटआउट है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इन केस आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, अब हम चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट की ओर। सेकंड प्रोडक्ट ये फ्रेम है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत फ्रेम मुझे रिसीव हुई है फ्लिपकार्ट से। इनका पैकेजिंग देखिए आप, कितनी अच्छे तरह से पैक हो गया है। कोई भी फ्रेम ब्रेक नहीं हुई है, एज इट इज जिस तरह से उन्होंने भेजा था उसी तरह मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। और इसमें मुझे 3 साइज में फ्रेम रिसीव हुए हैं फ्रेंड्स। और ये लास्ट वाला बड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बड़ा फ्रेम बताती हूँ। यहाँ पे क्लीन रैप से भी रैप किया है क्योंकि इसके ऊपर ग्लास लगा है तो ब्रेक होने के चांसेस थे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत फ्रेम है फ्रेंड्स। यहाँ पर ग्लास लगा है और अंदर MDF का पैनल है। अभी हम नेक्स्ट फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। इसका फ्रेम ब्लैक मेटल का है और इसका साइज 8x10 का है जो कि बड़ा साइज है। और ये एक ही फ्रेम रिसीव हुई है इस साइज की। इस तरह की हमें ये 4 फ्रेम रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं। इसका साइज 5x7 है जो कि अच्छा खासा साइज है इसका। और अगेन इसके ऊपर भी ग्लास लगाया है और MDF का पैनल अंदर है। और ये कुछ मेटल का फ्रेम है। इसका प्राइस 549 था जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है इस तरह के फ्रेम के लिए। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी है। और पीछे हमें 2 इस तरह के हुक दिए हैं, हम इसे टांग सकते हैं। इस फ्रेम की क्वालिटी बहुत ही सुपर है। इस तरह का ये छोटा भी फ्रेम आया है जो कि 4x6 का है। इसका बैकिंग MDF का है और इसके ऊपर एक ग्लास लगा है और ये मेटल की बॉडी है फ्रेंड्स। इस तरह के ये मुझे 6 रिसीव हुए थे, आप देख सकते हैं। और सबकी क्वालिटी इसी तरह की है। इस वीडियो में एक लास्ट आइटम बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, ये दिवाली डेकोर के लिए बहुत ही काम में आएगा। तो कुछ इस तरह के पैक होके आया था। पैकिंग फ्लिपकार्ट की बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स, बहुत ही सिक्योरली आइटम भेजते हैं। इस तरह का ये डियर है, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। ये शायद से 149 या 159 में मुझे मिला है और ये दिवाली डेकोर में बहुत ही अच्छा दिखेगा। अगर आपको परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक्चुअली इसका गोल्डन कलर था मगर मुझे ब्लैक में रिसीव हुआ है, पर कोई बात नहीं, जिस तरह से ये रिसीव हुआ है बहुत ही अच्छा है। जैसे मुझे चीज़ें रिसीव हो रहे हैं उस तरह के मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। और भी आपको डेकोर वीडियो देखने को मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय, स्टे क्रिएटिव, स्टे होम।